अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, आई एम अंजुम शहजाद, प्री नाइन्थ। होप सो आप सब खैर वाफियत से होंगे। और बेटा, हमने लास्ट टाइम चैप्टर नंबर 3 को स्टार्ट किया था, 3.1 एंड 3.2 क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 तक कर लिया था। आज हम एक्सरसाइज नंबर 3.2 को क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करेंगे, ठीक है, जिसका पेज नंबर है पेज नंबर 65। तो मेरा बेटा, वो आप ओपन करें और साथ में ही अपने कैलकुलेटर अपने साथ रख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 में, व्हाट रिप्लेसमेंट फॉर द अननोन इन ईच ऑफ द फॉलोइंग विल मेक द स्टेटमेंट ट्रू। क्वेश्चन नंबर 4 से ही स्टार्ट कर रहा हूं बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत दफा आ चुका है, इसमें से 4, 5 और 6 पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप इन्हें 3 स्टार लगा लीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 का जो फर्स्ट पार्ट है बेटा, मैं वहां से स्टार्ट करता हूं। आपके पास लिखा हुआ है लॉग 381 टू द बेस 3 इज इक्वल टू एल, ठीक है। मेरे बच्चे, एक रूल है, मैं आपको जब हम लॉगरिथम ऑफ रे नंबर पढ़ रहे थे, लॉगरिथम ऑफ रे नंबर, उसमें एक रिप्लेसमेंट रूल है, लॉगरिथम का एक रिप्लेसमेंट रूल है, वो सुन लीजिए कि अगर इस वाले एल को इस जगह पे ले जाएं, 81 पे ले जाएं और 81 एल पे ले जाएं, तो लॉग खत्म हो जाता है, याद रखना है। अगर इन वैल्यूज को अगर रिप्लेस किया जाए, इन वैल्यूज को आपस में रिप्लेस किया जाए, ये वाली वैल्यू उसको दे दी जाए और वो वाली उसको दे दी जाए, तो लॉग क्या हो जाता है बेटा, खत्म हो जाता है। तो ये फिर यू बन जाएगा 3 raised to power l is equal to 81। आप इंग्लिश में लिख सकते हो बाय यूजिंग द रिप्लेसमेंट रूल, 3 raised to power l is equal to 81 के फैक्टर्स बन रहे हैं। हमें 81 के फैक्टर्स बनाने के लिए आपको पता है 3 raised to power 4 होता है। अगर आप यूं करके फैक्टर्स बनाएं 81 के, 327, 39, 33 यहां पे खत्म हो जाता है। आपको पता है यहां तक तो 1, 2, 3, 4 3 raised to power 4 बन गई ना, 3, 4 टाइम्स। अब आपने एक चीज और याद रखनी है, जब बेसिस सेम हो, दरमियान में इक्वल टू का साइन लगाओ, बेसिस सेम हो तो एक्सपोनेंट्स भी आपस में इक्वल होते हैं, पावर भी आपस में क्या होती है, इक्वल होती है। इफ बेसिस आर सेम देन एक्सपोनेंट्स विल बी इक्वल। ये चीज आपने नहीं भूलनी, ये पूरे के पूरे क्वेश्चन में यूज होगा, 4, 5, 6 तीनों में यूज होगा। तो आपके पास एल का आंसर कितना है बेटा, 4। ये चीज आपके पास आंसर है। इसका अगर आप पार्ट नंबर 4 देखें तो वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। पार्ट नंबर 4 करवाने लगा हूं, 10 raised to power p = 40 बेटा, बेस को ये वाला है, ये 40 जो है अगर p की जगह पे जाएगा, हमें p फाइंड करना है, 40 को अगर p की जगह पे जाएगा तो रिप्लेस होगा ना, तुमने पढ़ा था रिप्लेसमेंट करने से लॉग खत्म हो जाता है, और अगर लॉग ना लगाओ तो लॉग आ जाता है, याद रखना है बाय रिप्लेसमेंट रूल। इन दोनों को अगर मैं रिप्लेसमेंट करूं इन दोनों की, तो लॉग तो वैसे रहेगा, साथ में लॉग आ जाएगा और वो 40 p की जगह पे चला जाएगा और p 40 की जगह पे चला जाएगा। अब आपने एक चीज और याद रखनी है कि लॉग, अगर कैलकुलेटर पे आप लिखेंगे लॉग 10, कैलकुलेटर पे लिखो ना लॉग 10, तो आंसर 1 आता है, इट्स मीन ये तो 1 बन गया, बाकी पीछे क्या बचता है, लॉग 40 बचता है। अगर कैलकुलेटर पे लिखे लॉग 40 तो आंसर वहां पे आएगा 1.6021। आप अपना कैलकुलेटर यूज करें, आप लिखेंगे लॉग 40 इक्वल टू का साइन लगाएंगे, ये आंसर आएगा। मुझे ये याद है इसलिए मैंने इसको लिख दिया। क्वेश्चन नंबर 5 इज द मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5 में से एक पार्ट मैं करूंगा, एक पार्ट में बच्चे आप लोग खुद करेंगे, वो मैं क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट नंबर 2 करवाने लगा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से। वो कह रहे हैं लॉग 212√2 इज द बेस ऑफ 512। हमने लिखना है देखो, लेट लॉग, वो कह रहा है 2√2, ठीक है, या फिर उसने ये लिखा हुआ है लॉग 512, यहां पे लिखा लॉग 512 टू द बेस 2√2, ये सवाल है। वहां पे इंग्लिश में लिखा हुआ है, स्टेटमेंट में आपने पढ़ना कैसे होता है आपको पता है, पहले आप ये पढ़ते हैं लॉग 512 टू द बेस 2√2। अब इसकी जो राइट हैंड साइड पे कुछ भी नहीं, इनमें हर जगह पे थे, तो इनमें जहां नहीं है तो आप उन्हें लेट कर देंगे, लेट
ठीक है। अब आप रिप्लेसमेंट करें, एच को इसकी जगह पे ले जाए और इसको इसकी जगह पे ले जाए तो लॉग क्या होगा, खत्म हो जाएगा। तो मैं इसको मेरे बेटा ये ना लिख दूं, 2 अंडर रूट 2 रेज टू पावर एक्स इज इक्वल टू 512। सर जो उनमें ब्रैकेट नहीं लगाई थी इसमें ब्रैकेट लगा दी आपने, बेटा कुछ नहीं होता, अगर ब्रैकेट लगा भी देता तो भी कुछ फर्क नहीं पड़ता, अगर ब्रैकेट नहीं लगाता तो भी मसला नहीं है। मैंने ब्रैकेट क्यों लगाई, मैं चाहता था ये वाली वैल्यू इसके साथ मिक्स ना हो जाए, आप लोग मिक्स ना कर दीजिए, इसकी वजह से मैंने ये ब्रैकेट लगा दी। तो ओके बेटा 2 अंडर रूट 2 को आप यूं भी लिख सकते हैं, 8 अंडर रूट और 4 रेज टू पावर एक्स इक्वल टू 512। 8 अंडर रूट कैसे लिखते हैं बेटा, आपको पता है अगर मैं 8 अंडर रूट को सिंपलीफाई करता हूं, इसको मैं यूं लिख सकता हूं 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 अंडर रूट, इसके पेयर बना लें 2 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 2 अंडर रूट, स्क्वायर से अंडर रूट कटेगा तो बाहर आ जाएगा ना बेटा, तो पीछे ये बचेगा। तो ये वाली वैल्यूज को ये वाली वैल्यू की फॉर्म में लिखा जा सकता है, ठीक है। अब आप 8 के फैक्टर्स बनाएं, 8 के फैक्टर होते हैं 2 की पावर 3, ये जो दरमियान में अंदर में आया ना 8, उसके फैक्टर्स बनाए क्या होते हैं 2 की पावर 3। और अंडर रूट की वैल्यू याद रखनी है हमेशा, अंडर रूट जो होता है ना उसकी वैल्यू होती है 1/2, तो पावर में क्या बना फिर 1/2, बात समझे। और साथ में पहले पावर में क्या लिखा हुआ था, एक्स इज इक्वल टू इसके फैक्टर्स बनाए 512 के फैक्टर्स बनाएंगे तो 2 9 टाइम आएगा 2 की पावर 9 आएगा, इस तरह चलते जाएंगे तो ये बन जाएगा, ये इस तरह चलते जाएंगे 128 फिर आगे सिंपलीफाई होता जाएगा तो 2 9 दफा आएंगे, ठीक है। अब आप पावर्स को पावर से मल्टीप्लाई करवाएं हमेशा, ये देखिए 2 को 3 1 सा 3 डिवाइडेड बाय 2 और x वैसे रहा तो ये 2 की पावर 9 भी वैसे रहा, ये चीज याद रहेगी आपको। मैं बेटा मैंने क्या किया, बड़ा आसान सवाल था, 512 की बेस 2 अंडर रूट 2 इज इक्वल टू x से इक्वल लिख दिया, ये वाली वैसे रिप्लेसमेंट की है मैंने, 8 इसको 8 अंडर रूट लिख सकते हैं, 8 को लिख सकते हैं 2 की पावर 3 अंडर रूट की वैल्यू 1/2, x वैसे रहा 2 की पावर 9। अब आपने पावर से मल्टीप्लाई करवाया है तो अब आप देखिए तो बेसिस सेम बन गई, जब बेसिस सेम होती हैं तो एक्सपोनेंट्स आपस में क्या होते हैं मेरे बेटा, इक्वल होते हैं, व्हेन द बेसिस आर सेम द एक्सपोनेंट्स विल बी इक्वल। तो मैं लिख सकता हूं 3/2 x इक्वल टू 9, कोई मसला, क्योंकि इंग्लिश में आप लिखेंगे एज द बेसिस आर सेम, एज बेसिस आर सेम सो एक्सपोनेंट्स विल बी इक्वल, एक्सपोनेंट्स विल बी इक्वल, ये रूल है, अगर बेसिस सेम है तो यहां पे इक्वल टू का साइन लगाओ तो एक्सपोनेंट भी आपस में क्या होते हैं बेटा, इक्वल होते हैं। फिर 2 डिवाइड होगा ऊपर जाके क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा, 2 9 का 18 और इधर क्या बना 3x, हमें x चाहिए 18 डिवाइडेड बाय 3, जब आप इसको कैंसिल करेंगे सिंपलीफाई करेंगे तो आंसर आएगा 6, ये नोट डाउन कर लीजिएगा मेरे बेटा। क्वेश्चन नंबर 5 आपका इस तरह होता है, क्वेश्चन नंबर 6 बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 4 की तरह है, क्वेश्चन नंबर 6 4 की तरह मैं वो नहीं करवाने लगा। इसके बाद आप अपने कुछ लॉ ऑफ लॉगरिथम है मैं वो जस्ट लिख देता हूं, आपकी बुक पे भी लिखे हुए पेपर पॉइंट में से बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, वो आप लोग नहीं भूलने। देखिए पेज नंबर मेरे बेटा पेज नंबर 65 के लास्ट पे लिखा हुआ है बहुत बड़ा है, लॉग ए एम लॉग m m to the base a is equals to log पहला m और base plus the sine log n और यहाँ पे a, मैं बताता हूँ कैसे, अगर दो वैल्यू आपस में मल्टीप्लाई होंगी log का रूल सुन लीजिए, ये log of logarithm है मोस्ट इंपॉर्टेंट है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से, अगर दो वैल्यू log में मल्टीप्लाई हो रही हो उनकी बेस हो a या कुछ भी बेस हो, अगर बेस ना भी हो तो भी खैर है, आगे कुछ क्वेश्चन करेंगे और ज्यादा डिटेल में समझ आ जाएगी, दो वैल्यूज मल्टीप्लाई हो रही है तो मल्टीप्लाई का साइन खत्म करके दरमियान में जस्ट प्लस लगाते हैं याद रखना, और अगर दो वैल्यूज डिवाइड हो रही हो तो दरमियान में माइनस का साइन आ जाता है याद रखना है, बात जरूरी है बेस सबके साथ सेम, अगर किसी की वैल्यू हो m रेज टू पावर n पावर हो तो पावर हमेशा कहां आती है शुरू में आ जाती है याद रखना है, अगर कोई वैल्यू उसके ऊपर पावर है और साथ में लॉग लिखा हुआ है तो पावर हमेशा या पार इंग्लिश बोलना चाहे जिस तरह मर्जी, तो ये जो पार होगी वो क्या होगी स्टार्ट में आ जाएगी
n to the base a is equals to log n to the base b multiplied by log b to the base a. ये एक रूल है, फोर्थ लॉ ऑफ लॉगरिथम, ये थर्ड लॉ ऑफ लॉगरिथम, ये सेकंड है, और ये क्या है, फर्स्ट लॉ ऑफ लॉगरिथम. इसके कुछ क्वेश्चन है वो आगे हम सॉल्व करेंगे, उसमें ज्यादा डिटेल में समझ आ जाएगी. ये पता है कैसे आता है, मेरा n to the a है ना, ये b b से कैंसिल हो जाता है, पीछे क्या बचता है n to the a, वही से लेफ्ट और राइट से. अगर आप इसी तरह एक्सरसाइज नंबर 3.1 के कुछ क्वेश्चंस पे चले तो मैं आपको वहां पे बता दूं 3.3 के कुछ क्वेश्चंस पे चले तो पहला पार्ट लिखा हुआ बेटा क्वेश्चन नंबर 1 में क्या लिखा हुआ है, log a मल्टीप्लाई बाय b. ठीक है, अभी आपने पढ़ा है अगर दो वैल्यूज मल्टीप्लाई हो रही हो तो उनके दरमियान में क्या लग जाता है, प्लस का साइन, और ये log दोनों का होगा. बाय यूजिंग द फर्स्ट लॉ ऑफ लॉगरिथम a मल्टीप्लाई का साइन खत्म करके प्लस का साइन लगाते हैं और यहां पे क्या बन जाता है मेरे बेटा, log b. सिर्फ इतना ही आंसर है. ये आप सम और डिफरेंस के फॉर्म में लिख रहे हैं. जब सवाल इस तरह का दिया हो और वो कहे कन्वर्ट या इसको लिखें, राइट द फॉलोइंग, ये वाली वैल्यूज को सम और डिफरेंस के फॉर्म में लिखें, तो आपने याद रखना है मल्टीप्लाई का साइन खत्म होगा तो प्लस रहेगा, अगर यहां पे माइनस का साइन खत्म होता तो मैं डिवाइड, अगर यहां पे डिवाइड होता लाइक मैं यूं लिखता. एक क्वेश्चन और भी है इसी तरह का, मैं एग्जांपल सॉल्व कर देता हूं. क्वेश्चन लिखा हुआ लॉग 15.2 डिवाइडेड बाय 30.3, तो मैं इसको मेरे बच्चे यूं भी लिख सकता हूं, डिवाइड का साइन खत्म करके क्या लगाते हैं, माइनस. तो ये कुछ इस तरह से हो जाएगा. बात क्लियर हो गई, ऊपर वाली वैल्यूज के साथ भी और नीचे वाली वैल्यूज के साथ. याद रख रहे हैं जो भी नीचे वैल्यू होगी वो सारी माइनस में आएंगी और जो ऊपर वाली वैल्यूज होगी वो सारी प्लस में आएंगी. मैं क्वेश्चन करने लगा हूं 7 डिवाइडेड बाय 15. ठीक है, अब आप इसको थोड़ा सा सिंपलीफाई करें तो 7 डिवाइडेड बाय 15 अंडर रूट की वैल्यू कंधे पे 3 है तो आप उसको 1/3 लिखते हैं ना. अब आपने ये भी पढ़ा है कि जो पार होती है वो कहां आती है, शुरू में आती है अकॉर्डिंग टू द थर्ड लॉ ऑफ लॉगरिथम. 1/3 शुरू में आएगा तो लॉग बन जाएगा 7/15. अब आपने ये भी पढ़ा है, ये दोनों की वैल्यू देना, आप यूं ब्रैकेट लगा दें, अच्छी बात, स्मॉल ब्रैकेट लगी है मैंने. चलिए बेटा अब ये पार ये जो लॉग है ये ऊपर वाले के साथ जो डिवाइड हो रहा है उसके साथ क्या लगेगा, माइनस होगा. तो ये इस तरह आंसर आएगा आपका. इसी तरह क्वेश्चन नंबर 2 इज द मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से. क्वेश्चन नंबर 2 मोस्ट इंपोर्टेंट है, वो मैं करवा देता हूं. क्वेश्चन नंबर 2 में देखें क्या लिखा हुआ है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग लॉग एक्स माइनस 2 लॉग एक्स प्लस 3 लॉग एक्स माइनस 1 ऐसे है माइनस लॉग एक्स स्क्वायर माइनस 1. क्वेश्चन नंबर 2 मेरे बेटा सुनिए देखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से, बहुत इंपॉर्टेंट है पेपर में कई दफा आता है, ये शॉर्ट में भी आ जाता है और अगर आप स्कूल में पेपर दे रहे होंगे तो वहां पे ये लॉन्ग में भी आ सकता है. देखिए अब आपने इसको सिंपलीफाई करना है, पहले तो आप ये देख लेना लॉग एक्स प्लस रहा माइनस, ये जो पार है ये शुरू में है ये इसके ऊपर चली जाएगी. ठीक है, अब आप वापस आ रहे हैं, पहले आपने क्या किया था मल्टीप्लाई या डिवाइड था उसको प्लस या माइनस में ले गए थे, अब ये प्लस या माइनस में है, अब आपने इसको मल्टीप्लाई या डिवाइड की फॉर्म में लिखना है. अब आपने ये जो पार है ये 2 ये लॉग के साथ लगी हुई, दिस मीन ये इसकी पार बन जाएगा लॉग एक्स स्क्वायर, ये जो पार शुरू में लगी हुई है ये इसकी बन जाएगी लॉग एक्स माइनस 1 की पावर क्या बन जाएगा बेटा 3, माइनस इसके साथ कुछ नहीं है तो ये सेम रहेगा. नो कंफ्यूजन बॉयज एंड गर्ल्स, बेटा अब यहां तक तो क्लियर हो गया. अब आपने एक चीज और याद रखनी, जो प्लस वाली वैल्यूज है ये भी प्लस है, जो प्लस वाली वैल्यूज है ये ऊपर आएंगी, जो माइनस वाली वैल्यूज है वो नीचे आएंगी, और सिंगल लॉगरिथम में लिखते होते हैं ये, एक लॉग लिख देते हैं. ठीक है, ये जो प्लस वाली वैल्यूज है ये मैं लिख दिया, ये प्लस वाली वैल्यू है इसके दरमियान में किसका साइन लगाऊंगा, मल्टीप्लाई. जो प्लस होते हैं वो मल्टीप्लाई होते हैं, जो माइनस होते हैं वो कहां होते हैं बच्चे, डिवाइड की फॉर्म में होते हैं. ये प्लस लॉग नहीं लिखूंगा, लॉग एक दफा ही आएगा, और ये वैल्यू लिखूंगा एक्स माइनस 1 होल रेज़ टू पावर 3. अब माइनस
नीचे आ जाएगा, ये क्या बन जाएगा मेरे बेटा x square, और ये क्या बन जाएगा x square minus one, ये दोनों माइनस हो रहे हैं, जो माइनस हो रहा है वो नीचे, जो प्लस हो रहा है वो ऊपर लिख दिए जाते हैं। यहां तक तो मेरे बच्चों को बात के लिए दो भी होगी। अब आप और सिंप्लीफाई करें, x को एक x से कट गया, दो थे ना एक कट गया, बाकी एक बचता है x minus one all cube divided by, इसके ऊपर जिसका एक फार्मूला है a square minus b square equal to a plus b और a minus b की फॉर्म में लिख सकते हैं। बेटा ये तीन है, ये एक है, ये एक से कटा तो बाकी क्या बचे दो, तो मेरे पास वैल्यू बची x minus one whole square over x plus one is your answer। ये तो क्लियर होगी बेटा। क्वेश्चन नंबर थ्री आपने सिंप्लीफाई करना है, ये आप आसान है, वो खुद करेंगे। log 21 plus log 5 लिखा, प्लस का साइन खत्म करके क्या लगाते हैं बेटा, मल्टीप्लीकेशन का साइन, तो आप कर लेंगे उसको। अगर log 21 plus 5 लिखा हुआ है तो आप उसको क्या लिखेंगे, log ब्रैकेट 21 मल्टीप्लाई बाय 5। इस तरह के मेन क्वेश्चन भी आप करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 इज द मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से, क्वेश्चन नंबर 4 पेपर में हमेशा आ जाता है, और हमेशा आ जाता है, कभी इसमें ऐसा नहीं हुआ कि हमारे साथ गद्दारी की हो और ये ना आए, ये हमेशा पेपर में आता है। क्वेश्चन नंबर 4 कैलकुलेशन, ये कैलकुलेट करना है, ठीक है, कैसे कैलकुलेट करना है बेटा, सवाल लिखा हुआ है log 2 टू द बेस 3 मल्टीप्लाई बाय log 81 टू द बेस 2, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब आपने ये फोर्थ लॉ ऑफ लॉगरिथम की शक्ल बनी हुई नजर आ रही है आपको, देखिए वही है ऐसे है ना। अब आपने रेफरेंस देने हैं, मैं वो रेफरेंस आपके पेज नंबर 69 पे लिखी हुई, पेज नंबर 69 की फोर्थ लाइन, हेंस इक्वेशन नंबर 1 गिव्स लॉग, ये जो वैल्यू लिखी हुई ना, अब आपने इस तरह लिखना है, एज वी नो दैट, एक रेफरेंस देने हैं मेरे बेटा, ये फोर्थ लॉ ऑफ लॉगरिथम की ही रेफरेंस है, log n to the base a equal to log n to the base b divided by log b to the base a, कुछ ऐसे ही है रेफरेंस मेरे बेटा, ऐसा ही है, इसमें यू है। अच्छा ये रेफरेंस देने मेरे बेटा, आप लोगों ने पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप लिखेंगे ये फोर्थ लॉ ऑफ लॉगरिथम का, आगे भी होता है सॉल्यूशन, आगे भी इसका प्रूफ है, वो यही प्रूफ है, ठीक है, यहां तक भी प्रूफ है फोर्थ लॉ ऑफ लॉगरिथम, और यहां तक भी है। अगर पेपर में यहां तक पूछेगा तो वो यहां तक करना है, अगर यहां तक पूछेगा तो इधर तक करेंगे बेटा, तो इस चीज को आपने देखना है, ये चीज आपकी गलत नहीं होनी चाहिए। अब आपको जैसे मैं पढ़ा रहा हूं वैसे लिखना है, लॉग एन टू द बेस ए इक्वल टू लॉग एन टू द बेस बी मल्टीप्लाई बाय लॉग a to the base b, ठीक है। अब आपने जो रेफरेंस देनी है, एक और मेमो सवाल को देखें, आपके पास सवाल दोबारा लिखेंगे, log 2 to the base 3 multiplied by log 81 to the base 3 is equal, लिखने का तरीका सुन लीजिए, ये जो वैल्यू ऊपर है ये ऊपर लिखेंगे, जो नीचे है वो log के साथ नीचे लिखेंगे, मल्टीप्लाई का साइन दरमियान में लगाएंगे, अब इसमें वो प्लस नहीं लगाना, log 81 ऊपर है ऊपर लिख देंगे, नीचे log 3 है वो 2 है वो नीचे लिख देंगे, बात समझे हो, ये 2 2 से कैंसिल, ऊपर क्या बचा, आप देखें बेटा ऊपर बचा log 81 नीचे बचा log 3, ठीक है। अब आप देखें क्वेश्चन की तरफ देखें तो log 81 के फैक्टर्स बन सकते हैं, log 81 के फैक्टर्स क्या होते हैं, बॉयज एंड गर्ल्स, फिर बेटे बात इस तरह है, log 81 के फैक्टर्स होते हैं log 3 की पावर 4, ऐसे होते हैं ना बेटा, और नीचे क्या बचा हुआ है log 3, पावर जो होती है वो हमेशा शुरू में आती है कौन से रूल के मुताबिक, थर्ड लॉ ऑफ लॉगरिथम के मुताबिक, ये लास्ट के प्रूफ आपको क्लास में करवा दिए जाएंगे, या अगर दोबारा का टाइम मिला इंशाल्लाह तो आपको लास्ट के प्रूफ करवा दिए जाएंगे, याद रखना ये पावर में शुरू में ले आया log 2 से कैंसिल, log 3 सेम था कैंसिल हो गया, पीछे 4 बचता है, तो ये जो आंसर इसका क्वेश्चन नंबर 5 देखने में बेटा पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से वो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 में वो वैल्यूज देता है, जैसे कि मैं इसका क्वेश्चन नंबर 5 का थर्ड पार्ट करवाऊंगा, ये 5 है और इसका थर्ड पार्ट में क्या लिखा हुआ है, log 3 होल 1 ओवर 3 अंडर रूट, ठीक है। अब आपने इसको इससे मल्टीप्लाई करवाना है ये इसके साथ, तो ये क्या बनेगा,
log 10 डिवाइडेड बाय 3 अंडर रूट की वैल्यू क्या होती है बेटा 1/2 पार कहां की है शुरू में पीछे क्या बचेगा log 10 माइनस का ना डिवाइड का साइन खत्म करके 3 अब वैल्यूज लगानी है उसने 2 3 और 5 की वैल्यूज लगाने को कहा है log 10 को लिख सकते हैं log 2 मल्टीप्लाई बाय 5 10 की तो log 3 वैसे का वैसे रहा 1/2 वैसे रहा मल्टीप्लाई का साइन खत्म करके क्या लगाते हैं प्लस का साइन और ये यू बन जाएगा बात समझे हो 1/2 log 2 की वैल्यू कितनी होती है ये लिया आपकी बुक पे भी लिखी हुई है ऊपर अगर इसी सवाल से देखें तो ऊपर में लिखी हुई है log 2 की वैल्यू 0.3010 प्लस log 5 की वैल्यू भी लिखी हुई है 0.6910 माइनस log 3 की वैल्यू भी वहां पे लिखी हुई है 0.4771 इनको प्लस करें माइनस करें और 2 पे डिवाइड कर दें आपके पास एक आंसर आएगा वो ही आपका आंसर है मोस्ट इंपोर्टेंट एक्सरसाइज की तरफ जा रहे हैं और लास्ट है एक्सरसाइज 3.4 ये बहुत इंपॉर्टेंट है पेपर में हमेशा हमेशा पेयरिंग बनती है 3.4 में से एक लॉन्ग क्वेश्चन आता है उसकी एग्जांपल आपने करनी है एग्जांपल जो मैं नहीं करवाता वो आपने खुद करनी होती है बच्चों तो इस चीज का ध्यान रखना है एक्सरसाइज नंबर 3.4 एक्सरसाइज नंबर 3.4 इज द मोस्ट इंपोर्टेंट एक्सरसाइज एक ही क्वेश्चन करूंगा बाकी रिमेनिंग पार्ट आप लोग खुद करेंगे स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन भी करवा दिए जाएंगे और 10 आपने मुझे सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन नंबर 1 में से जो 8 पार्ट है उसके 8 पार्ट में सिर्फ एक पार्ट में करवाऊंगा वो पार्ट में जो आप मुझे बता दें मैं एक्सरसाइज नंबर 3.4 का क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 7 करवा लेता हूँ ठीक है बाकी भी ऐसे ही है जहां मल्टीप्लाई का साइन खत्म है वहां पे क्या लगाएंगे प्लस जहां पावर लगी हुई है वो शुरू में आ जाएगी जहां डिवाइड है वो माइनस में आ जाएगी जो अंडर रूट के अंदर है कंधे पे साइन लगाओ या 5 लगाओ वो पार बन जाती है वो आप सिंप्लीफाई कर लेंगे मेरे बेटा आपने जो भी सवाल होगा सबसे पहले लेट कर लेंगे x के इक्वल 3 मल्टीप्लाई बाय 92 रेडिकल 3 डिवाइडेड बाय 1 टू 7 मल्टीप्लाई बाय 5 रेडिकल 162 आई थिंक सो कुछ ऐसे ही है 2 4 6 जी मेरे बेटा ये सवाल है आपके पास सवाल को ये जितने भी पार्ट हैं 8 के 8 पूरे तरतीब से समझ लीजिए पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से